दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी पर बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं दे रही हूँ। ये है सिंघाड़े की रेसिपी, जिसे वाटर चेस्टनट भी कहते हैं, वाटर कैलट्रॉप भी कहते हैं, पर हम लोगों की तरफ सिंघाड़ा ही इसे बोला जाता है। तो इसे आप व्रत के लिए भी बना के खा सकते हैं, या इवनिंग स्नैक्स के लिए, या दिन में भी कभी भी खा सकते हैं। ये होते बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। इसके लिए मैंने सिंघाड़े को लेके और उसे इस तरह से धुल के और छील के और काट के ले लिया है, इस तरह से टुकड़ों में। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो आइए देख लेते हैं, पैन की तरफ चलते हैं। तो पैन में मैंने ये 2 छोटे टीस्पून घी ले लिए हैं। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो व्रत के पर्पज़ से मैंने दिखाया, तो मैंने घी में इसको भून के दिखाया। और उसमें थोड़ा सा डालते हैं ये जीरा, भून लेते हैं इसे। और अभी ये सिंघाड़े इसमें चले गए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है, पर बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी होते हैं सिंघाड़े, आप लोग जानते होंगे। तो सीज़न है तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये थोड़ा सा सेंधा नमक मैंने डाल दिया। अगर आप इसमें चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े लहसुन के, प्याज के साथ भी बना सकते हैं, पर ये ऐसे ही अगर व्रत नहीं होता है तो भी हम लोग इसी तरह से भून के खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसको चला के और थोड़ी देर के लिए ढक के इसे पका लेते हैं। तो इस तरह से ढक के हमें 10 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको पूरी तरह से गलाना नहीं है हमें, क्योंकि ये जो इसका क्रंचीनेस होता है, करारापन होता है, वही इसे बहुत टेस्टी बनाता है। तो ध्यान रखिए ये पूरी तरह से गलने ना पाए। तो इस तरह से ढकते हुए चलाते हुए हमें 2-3 बार इस तरह से करना है प्रोसेस को। तो अभी ये पूरी तरह तैयार है, ड्राई भी हो चुके हैं। तो गैस ऑफ कर लेते हैं हम, और ऊपर से थोड़ा ये काली मिर्च इसमें क्रश कर लेते हैं। तो आप अगर और भी कुछ चाट मसाला या कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, पर ये सिंपल इसी तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप व्रत में खाइए या ऐसे खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये सिंघाड़े। और ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है इसमें। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की और एक नई रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।